कल रात मैं तन्हा थी, मेरे ध्यान में तुम थे, मेरी तहरीर में तुम थे, मेरे उन्मान में तुम थे। गो अजनबी थी दस्तक, मगर मैंने दरेजा ये सोच के खोला था कि मेरे इम्कान में तुम थे। पिछले साल मैंने लूलू सर झील का एक वीडियो बनाया था जो बहुत वायरल हुआ था, और आज मैं फिर से लूलू सर झील के ऊपर बैठी हूँ। दूर दूर तक नीला पानी है और ये पानी जरा डार्क ब्लू है, इसलिए शायद आपको वीडियो में वो कलर नजर ना आए। जब भी आप कागान वैली देखने के लिए आए तो यहाँ जरूर आए, क्योंकि यहाँ एक खास किस्म का वेदर है, बहुत अमेजिंग। चारों तरफ पहाड़ है और इस झील की खूबी यह है कि इसके अंदर ट्राउट फिश बहुत पाई जाती है, और ट्राउट फिश जो है वो पूरी दुनिया की बेस्ट फिश है। उसका टेस्ट जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ट्राउट फिश की एक और खूबी ये है कि ट्राउट फिश जो है वो हमेशा पानी के बहाव के मुखालिफ से चलती है, यानी जिस तरफ पानी जा रहा होता है उसके ऑपोजिट चलती है, तो उसमें बड़ी ताकत होती है। कागान की सैर के लिए आए कागान वैली की, तो यहाँ आना मत भूलें। इस वक्त मैं एक टीले पर बैठी हूँ और हल्की हल्की सी शाम है, आसमान पर बादल हैं, इर्द गिर्द पहाड़ है और बीच में ये पीसफुल झील। कितना ये जो मंजर है ड्रामेटिक है कि मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकता। अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये हम
पाकिस्तानियों के लिए बड़ी बाइस फखर चीज है। नो डाउट कि कुदरत ने हमें बहुत बड़ा इनाम दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तिब्बत और चीन, अफगानिस्तान, इंडिया, उत्तर प्रदेश, हिमालय, इन सारी जगहों से पहाड़ी सिलसिले जो है चलते हुए बहुत दूर तक जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये वो मकाम है जहाँ पर तीन पहाड़ी सिलसिले आपस में एक जगह पे मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और वो है कोहे हिमालय, हिंदू कश और कराकरम। ये तीन ऐसे पहाड़ी सिलसिले हैं जो यहाँ पर आकर मिलते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो माउंटेन्स हैं ये बहुत ऊंची ऊंची हैं। पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि बस ताहद नजर आपको, आप देखें तो आपकी निगाह जो है ना वो देखना बंद कर देगी, लेकिन इसकी ऊंचाई खत्म नहीं होगी। वीडियो में शायद आपको इसकी ऊंचाई का अंदाजा नहीं हो सकता, ये तभी होगा जब आप खुद यहाँ पर आएंगे। होटल दे बेले चूड़ी खवा के मछियां चराणी किधर जा रही है, चढ़ती जवानी किधर जा रही है, हुस्न दीवानी किधर जा रही है।